दोस्तों हमारे चैनल टेक जर्नल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है सवाल जवाब का सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपने जो सवाल किए हैं उसके जवाब देने वाले हैं, आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। आज का जो सेशन है ये आपने बहुत सारे सवाल किए हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए उस वीडियो के ऊपर, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इस तरह का सवाल जाए। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है शरद जी का। उन्होंने लिखा है कि सर मुझे बिजनेस एंड स्टूडेंट के लिए लैपटॉप लेना है, एचपी का लूं या डेल का लूं। देखो शरद भाई, आप अगर बिजनेस और स्टूडेंट हो, यानी कि मेरे मैं समझ रहा हूँ कि आप पढ़ाई भी करते होंगे, तो अगर आपका इस तरह का रिक्वायरमेंट है और अगर एचपी या डेल के चॉइस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब में दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं। एक चीज़ ज़रूर चेक करना कि आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में इस कंपनी की सर्विस है कि नहीं, और अगर सर्विस है तो ये जरूर चेक करना है कि आपके सिटी में ऑनसाइट सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती है। दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों ब्रांड में, दोनों अच्छे ब्रांड हैं। आप अपनी सर्विस आप अपने सिटी के हिसाब से देख लो, दोनों में से जो भी कंपनी आपके सिटी में ऑनसाइट सर्विस देती है वो वाली आप कंपनी को चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एचपी और डेल में। देखते हैं दूसरा सवाल किनका है। दूसरा सवाल है पीयूष शर्मा का। इन्होंने लिखा है कि सर मैंने अभी 10 क्लास पास की है, अब मुझे स्टडी के लिए एक लैपटॉप चाहिए, प्लीज सर मुझे बताएं कि मैं कौन सा लैपटॉप लूं। प्राइस का बजट उन्होंने बताया है 25,000 रुपये। पीयूष भाई देखो, आपको थोड़ा सा बजट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आप कोई डिसेंट लैपटॉप ले सको, यानी कि कम से कम i3 लैपटॉप ले सको और कम से कम 8 GB उसके अंदर हो, ताकि आप अच्छी तरह से उसको यूज़ कर सको। ऐसा लैपटॉप लेके क्या फ़ायदा जो आपको बार बार प्रॉब्लम दे और आपका काम भी ठीक से नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, पैसे भी खर्च हो जाएंगे, कुछ मज़ा नहीं आएगा। आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज करो और बजट इंक्रीज करने के बाद आप अच्छा कोई लैपटॉप लो, कम से कम 30,000 के आसपास वाला, ताकि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। लैपटॉप लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, यानी कि कम से कम आप i3 लेना और 8 GB रैम लेना और 1 TB ड्राइव लेना, और अगर गेम्स के आप इंटरेस्टेड हो तो ग्राफिक कार्ड देखना। ग्राफिक कार्ड ये 30,000 के बजट में तो नहीं मिलेगा आपको, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि गेम्स के लिए आप नहीं ले रहे होंगे, आप अपने काम के लिए ले रहे होंगे, तो आप अपने काम के लिए ले रहे होंगे तो i3 कम से कम लेना, प्रोसेसर में लेटेस्ट जनरेशन लेना, 8 GB रैम और कम से कम 1 TB ड्राइव ले लेना। देखते हैं अगला सवाल किसका है। अगला सवाल है मंगा बैटरी हाउस नडाला वाले का। इन्होंने लिखा है थैंक्स सर, वेरी हेल्पफुल। धन्यवाद सर, आपने हमारा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है डांसर मुन्ना मैक्स से। इन्होंने लिखा है कि सर मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है, कौन सा लूँ, इंटेल या AMD। देखो भाई, एडिटिंग के लिए लेना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अच्छा लेना होगा, कम से कम आप i7 लेना, अगर बजट इंक्रीज हो कर सकते हो आप तो i9 लेना, और कम से कम 16 GB रैम तो जरूर लेना ताकि आपकी एडिटिंग वगैरह आप अच्छे से कर पाओ, नहीं तो अदरवाइज आपकी एडिटिंग ठीक से हो नहीं पाएगी। i3 मत लेना, i5 भी अगर बजट बहुत कम है तो ही उसमें जाना, नहीं तो अदरवाइज i5 में भी मत जाना, i7 लेटेस्ट जनरेशन या i9 का लेटेस्ट जनरेशन लेना। और एडिटिंग में ज़्यादातर लोग जो प्रीफर करते हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, AMD में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें कोर्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल जाते हैं और प्रोसेसिंग उसमें थोड़ी सी बेटर होती है कंपेयर टू इंटेल। इंटेल भी अच्छा है, इंटेल भी कोई छोटा ब्रांड नहीं है, इंटेल में भी जा सकते हो, आपका बजट जैसे आपका अलाउ करता है आप उस हिसाब से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटेल या AMD में। अगला सवाल आता है ये TRGK ट्रिक से। उन्होंने लिखा है कि सर बैंक BC वर्क के लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा, प्लीज बताना। देखो भाई, बैंक BC के लिए नॉर्मल लैपटॉप चल जाता है, आप अगर थोड़ा सा बजट आपका अगर है तो i5 लेना, लेकिन i3 में भी आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा अगर उसमें आप 8 GB रैम वगैरह डालते हो। 8 GB रैम लेना, 1 TB का ड्राइव लेना और कम से कम i3 का लेटेस्ट जनरेशन लेना, यानी कि 10th जनरेशन ले लो, ताकि आपका काम बैंक BC का जो है आराम से आप कर सकते हो। और अगर आप बजट थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो तो आप i5 ले लेना, ताकि आपका काम और भी अच्छे से हो सके। और जब भी कोई नया अपग्रेड आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर का बोलो या विंडोज़ का बोलो, तो उसमें भी आप ये अपग्रेड का फ़ायदा उठा पाओगे, अलग से लैपटॉप लेने की ज़रूरत फिर से नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अगला सवाल आता है, ये है CSK स्टडी का। इन्होंने लिखा है कि सर 25,000 में मिल सकता है क्या विंडोज सहित? पूरा नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन इनका कहने का मतलब जो समझ पा रहा हूँ, उनको एक लैपटॉप चाहिए जो 25,000 में मिल सके और विंडोज सहित हो, यानी कि विंडोज लाइसेंस्ड हो। देखो भाई, 25,000 में विंडोज लाइसेंस वाला लैपटॉप मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पुराना जनरेशन होगा उसका। पुराना जनरेशन लेके कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा 5-7 हज़ार रुपये आप ऐड करके आप i3 का कोई अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप लो, कम से कम 8th जनरेशन 9th जनरेशन ऐसा, ताकि आप अच्छे तरह से काम कर सको। आपको 25,000 में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन पुराना जनरेशन मिलेगा, ज़्यादा कुछ मतलब का नहीं होगा, थोड़े दिनों में ही पुराना हो जाएगा। यानी कि जब नए सॉफ्टवेयर आते हैं तो पुराना हार्डवेयर उसको उतना सपोर्ट नहीं करता जितना कि नए हार्डवेयर अच्छी तरह से उसको परफॉर्म करते हैं। अगला सवाल लेते हैं, ये है भरत भाई का। भरत भाई ने लिखा है कि सर मेरे को CSE वर्क करना है, कौन सा लैपटॉप ठीक है? देखो भाई, CSE के लिए आप नॉर्मल लैपटॉप बड़े आराम से ले सकते हो, यानी कि कम से कम i3 लेना आप, डुअल कोर वगैरह सेलोरॉन पे मत जाना आप, कम से कम i3 लो, उसमें कम से कम 8GB रैम लेना। 8GB रैम बाई डिफॉल्ट मुश्किल है मिलना, लेकिन आप अगर 4GB वाला भी लैपटॉप लेते हो i3 के साथ, और उसमें 4GB आप बाद में ऐड कर लेना, ताकि आपका बाकी का जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस है अच्छी तरह से हो सके और अपना काम आप अच्छी तरह से कर सको। आप उसमें i3 लेना, 8GB रैम लेना, i3 में लेटेस्ट जनरेशन लेना, और कम से कम 1TB ड्राइव लेना, क्योंकि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो बहुत सारे काम के डॉक्यूमेंट होंगे आपके, तो आप i3 लेटेस्ट जनरेशन और कम से कम 8GB रैम। अगला सवाल लेते हैं हम विनेत जी का। विनेत जी ने लिखा है कि सर मैंने लैपटॉप लेना था और मैं 10th पास की है, पर मैंने गेमिंग एंड प्रिंटिंग एंड स्टडीज सालू और किस टाइप का लू प्लीज, मेरा बजट 40,000 का है सर, रिप्लाई करो। ओके, देखो भाई, आपने लिखा है कि आपको गेमिंग भी करना है, प्रिंटिंग का काम भी करना है और स्टडीज भी करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम आप i5 में जाओ, i3 मत लेना आप। i5 में कम से कम आप 8GB, अगर हो सके तो 16GB ले लो, ताकि आपने लिखा है कि गेम भी खेलना है उस पर, तो गेम आप i5 पे GTA 5 वगैरह जो थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस गेम है वो आप अच्छी तरह से उस पर खेल सकते हो। i5 में भी आप कम से कम 8th जनरेशन 9th जनरेशन लेना, ताकि आप अपना गेमिंग का एक्सपीरियंस अच्छी तरह से ले सको। आप उसमें ग्राफिक कार्ड जरूर देखना लेते समय, ताकि आपके गेमिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो सके। कम से कम आप i5 लेना, 9th जनरेशन या 10th जनरेशन लेना, 1TB का ड्राइव लेना, कम से कम 8GB का रैम लेना उसमें, ताकि आप अपने गेमिंग, स्टडीज और प्रिंटिंग वगैरह का काम आराम से कर सको। अगला सवाल लेते हैं हम अमित के आर वर्मा का। इन्होंने लिखा है कि सर मुझे ऑफिस यूज के लिए लेना है, कौन सा बढ़िया रहेगा? अमित भाई, ऑफिस यूज के लिए देखा जाए तो i3 बहुत अच्छे से काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिस बोल रहे हो तो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह ही होगा, ग्राफिक्स उसमें नहीं होगा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड नहीं है कोई काम, एडिटिंग से रिलेटेड नहीं है कोई काम, तो आप बेझिझक i3 ले लो, कम से कम 8GB रैम ले लो और 1TB का ड्राइव ले लो, आपका बड़े आराम से काम हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा बेटर ले सकते हो तो आप i5 लेना, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी होगी, क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन वगैरह करोगे या कुछ और ऐसी मीटिंग में कुछ बताओगे कुछ चीज़ें, तो उस टाइम पे लैग वगैरह नहीं हो, इसीलिए आप i5 लो। अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है आपका तो i3 ले लो, लेटेस्ट जनरेशन लेना, लेकिन पुराना जनरेशन बिल्कुल मत लेना। अगला सवाल है अर्जुन जाधव जी का। उन्होंने लिखा है कि वेरी हेल्पफुल, थैंक्स अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा वीडियो देखा। तो इस वीडियो के सवाल जवाब सेशन में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको जरा सा भी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की अलर्ट आपको मिलती रहे। थैंक यू।